Hi guys, I am Neetu Nigam and welcome to my channel My Paathshala by Neetu Nigam. आज मैं आपके लिए NHTSE Olympiad Examination Class 2 से Olympiad paper लेकर आई हूँ Science Olympiad के, जिसका full form होता है NHTSE National Science Talent Search Examination, जिसके अंतर्गत Science Olympiad में Maths and Science दोनों subject से मिलाकर question पूछे जाते हैं. Class 2 के लिए करीब 50 क्वेश्चंस रहते हैं, जिसमें 15 क्वेश्चन मैथ के और 25 क्वेश्चंस जो है साइंस से पूछे जाते हैं. तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं. पहला क्वेश्चन है, अगर आपका बच्चा सेकंड में है या आप जानना चाहते हैं कि क्लास सेकंड में साइंस ओलंपियाड से किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये यूनिफाइड ओलंपियाड के क्वेश्चन हैं. और भी बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन है जो ओलंपियाड एग्जामिनेशन कंडक्ट करती है, उससे रिलेटेड भी हमने वीडियो बनाए हैं. अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन, SOF, सिल्वर जोन, बहुत सारे ऐसे ओलंपियाड हैं जो ओलंपियाड कंडक्ट करते हैं. तो ज़्यादातर ओलंपियाड्स में जो है किसी भी सब्जेक्ट के साथ रीजनिंग जरूर पूछी जाती है, लॉजिकल रीजनिंग के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. इसमें मैथमेटिक्स से रिलेटेड साइंस के साथ क्वेश्चन पूछे जाते हैं. चलिए पहला क्वेश्चन है, जॉन शेयर 20 केक्स इक्वली विथ 4 फ्रेंड्स, हाउ मेनी केक डज ईच पर्सन गेट. अगर जॉन के पास 20 केक है और वो 4 फ्रेंडों में इक्वली बांटना चाहता है, तो पर फ्रेंड्स को कितने केक मिलेंगे. चलिए इसमें हम देखते हैं, पर क्वेश्चन 20 स्टूडेंट हैं और इसमें फ्रेंड्स हैं इनको 4, तो 20 डिवाइडेड बाय 4 तो यहाँ पर हो जाएगा 4 5 20, तो पर फ्रेंड्स जो है इसको 5 केक मिलेंगे. करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 हम देखेंगे. क्वेश्चन नंबर 2 में, What is the mass of such What is the mass of 3 such boxes? ये 3 boxes में कितने, तो चलिए यहाँ पर हो जाता है ये 3 kg एंड 3 boxes है, तो इसके answers हो जाएंगे. चलिए इसको हम पहले डिलीट कर देते हैं, तो इसमें हो जाएंगे 3 × 3 = 9 kg. करेक्ट आंसर हो गया 9 kg. चलिए नेक्स्ट ऑप्शन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, विच फिगर रिप्रेजेंट 1/3 शेडेड. ये 4 इमेज में हम सेडेड देखेंगे कि किस प्रकार के सेडेड, 1/3 सेडेड कौन से पार्ट में है, ए बी सी एंड डी. 1/3 सेडेड का मतलब होता है 3 पार्ट हो और उसमें 1 भाग सेडेड हो, तो इस तरह के ऑप्शन हमें डी में दिख रहे हैं, 3 पार्ट हैं और 1 भाग इसका शेडेड है. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हो जाता है 4, स्टडी द डायग्राम बिलो केयरफुली. तो इसमें हम देख लेते हैं, ये पेंसिल, हमारा लेंथ ऑफ द पेंसिल इज लॉन्गर देन द लेंथ ऑफ की. पेंसिल की लेंथ की से कितनी लंबी है. यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि पेंसिल की लेंथ 1 से 9, तो 9 सेंटीमीटर है पेंसिल की लेंथ, और ये 1 2 3 की जो है 3 सेंटीमीटर है, तो माइनस करके हमारा आ रहा है 6 सेंटीमीटर. तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर 6 सेंटीमीटर, कोई ऑप्शन यहाँ पर नहीं दिया गया है, गलत प्रिंटेड हो गया है, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा 6 सेंटीमीटर. यहाँ पर 9 की जगह हम 6 सेंटीमीटर कर देते हैं और ये आंसर हो जाएगा 6 सेंटीमीटर. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, ऑब्जर्व द फिगर गिवन बिलो. What is the mass of packet of French fry? French fry
में जो दिया गया, व्हाट इज द मास ऑफ पैकेट फ्रेंच फ्राई, फ्रेंच फ्राई का क्या प्राइस, कितने ग्राम का है एक फ्रेंच फ्राई, कितने ग्राम का है, 20 kg, 60 kg, 80 kg एंड 40 kg। यहाँ पर हम देख पा रहे हैं 3 फ्रेंच फ्राई है, यहाँ पर 1 फ्रेंच फ्राई और 2 फ्रेंच फ्राई। तो 1 फ्रेंच फ्राई इसका टू 20 kg है, तो 2 फ्रेंच फ्राई कितना हो जाएगा, 40 kg। तो 1 फ्रेंच फ्राई क्या हो जाएगा, 40 / 2। यहाँ हम डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 20। तो करेक्ट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, जो कि हमारा जनरल साइंस से क्वेश्चंस पेपर स्टार्ट हो जाते हैं। साइंस में इस प्रकार के क्वेश्चंस बच्चों से क्लास सेकेंड में पूछे जाते हैं। आप इस तरह की प्रैक्टिस बच्चों को करवा सकते हैं। विच ऑफ दीज ग्रो ऑन क्रीपर्स, क्रीपर्स के रूप में कौन सा ये ग्रो होता है, कॉर्न, पी, ग्वावा या पाइनएप्पल्स। पाइनएप्पल इज द क्रीपर प्लांट एंड ग्रो ऑन क्रीपर्स पाइनएप्पल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन कैन करेक्टली फिल द एम्प्टी बॉक्स ऑफ द फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट में दिया गया स्टेरिलेक्स कौन कौन सा होता है, ऑप्शन के हिसाब से राइस डैश वेट, राइस मेज एंड वेट, ये ऑप्शन यहाँ पर मेज हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम डज नॉट ऑर्गेन गिवन बिलो बिलोंग्स टू। ये ऑर्गेन जो हमारा दिया गया है कौन से सिस्टम से बिलोंग करता है। पहला है आपका सर्कुलेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम और एक्सक्रेटरी सिस्टम। ये ऑर्गन्स जो है, इमेज हमारा लंग्स का दिया गया है जो रिप्रेजेंट करता है रेस्पिरेटरी सिस्टम। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। तो आई होप आपको यह वीडियो पसंद आया। इसी प्रकार के क्लास सेकेंड में साइंस चैप्टर, साइंस ओलंपियाड से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसी प्रकार की एजुकेशनल वीडियो देखने के लिए हमारे साथ बने रहें। इससे पहले भी हमने क्लास फर्स्ट की वीडियो आपके साथ शेयर की थी साइंस ओलंपियाड में किस प्रकार के क्वेश्चंस रहते हैं। चलिए नेक्स्ट थर्ड क्लास के ओलंपियाड भी आप देखना चाहते हैं, उसके मॉडल पेपर, तो हमारे साथ बने रहें। थैंक यू।